please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. शिमला से मोहित मल्होत्रा बड़ी खबर दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल खुद अपनी सीट हार गए। रात 11 बजे तक चली मतगणना के बाद सुजानपुर विधानसभा सीट का नतीजा घोषित किया गया, जिसमें प्रेम कुमार धूमल कांग्रेस के राजेंद्र राणा से 1911 वोटों से हार गए और इस बीच उनके कभी पिछड़ने और उनके घर पर डेरा डालकर बैठे हुए थे और जीत का दावा करते रहे, लेकिन नतीजा घोषित होने के बाद खुद प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर हाथ जोड़कर समर्थकों के सामने आए और उनको विदा करने लगे। हार के बाद प्रेम कुमार धूमल ने बस इतना ही कहा कि जिन्होंने वोट दिया उनका भी धन्यवाद और जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया उनका भी धन्यवाद। इसके बाद प्रेम कुमार धूमल घर के अपने कमरे में जाकर बंद हो गए। तो देर रात तक ये ड्रामा चलता रहा। कल दिन भर इस तरह की खबरें आ रही थी। अनुराग ठाकुर से भी जब कल बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, नतीजों का इंतजार कीजिए, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि प्रेम कुमार धूमल हार जाएंगे। बीजेपी ने प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया था। हालांकि हमीरपुर से उनको शिफ्ट किया गया था, उनकी सीट हमीरपुर थी, लेकिन सुजानपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा था और एक तरीके से बीजेपी कह रही थी कि जीत अगर हासिल होती है, खुद अमित शाह जब चुनावी रैली करने गए थे तो उन्होंने प्रेम कुमार धूमल का नाम सबसे आगे रखा था कि अगर जीत होती है तो प्रेम कुमार धूमल ही मुख्यमंत्री होंगे।